नहीं, चुनावी समीकरण क्योंकि हम लोग, मैं आज आया हूं तो आज हमने मैंने अमेठी में भी मीटिंग किया और रायबरेली में मीटिंग किया, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े, और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा, हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का, उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी मीटिंग के लिए आज मीटिंग बुलाई थी, और फिर इलेक्शन को लेके सुझाव हुए। तो इन सबका यह है कि जिस तरह जैसे ट्रेडिशनल हम लोग लड़ते हैं तो वही तरीका हमारा बेहतर है, और इस बार समाजवादी के लोग हमारे साथ हैं तो उनकी भी पार्टी को उसी तरीके से लेना है जिस तरह हम कांग्रेस के लिए करते हैं। तो हमारी समन्वय समिति की मीटिंग हो जाएगी, तो पहले हमारे अध्यक्ष जी उनके कार्यालय पे जा रहे हैं, उनके फिर ब्लॉकों तक का हमारा समन्वय रहेगा उनके साथ में, फिर लास्ट में बूथ तक समन्वय रहेगा। तो ये बिल्कुल कार्यकर्ता तो समझो कि जैसे है ना कि वो बाड़े का खोल दो घोड़े वाला रेस वाला की दौड़ जाए, तो इनका सबका ये है कि जनता को जवाब देना इनको मुश्किल हो रहा है कि भैया बताओ कौन आ रहा है। जिस तरह ये मेरे तक पहुंचते हैं, मैं ऊपर तक पहुंचता हूं, तो इनका भी बेचारों का जनता पूछ रही है कि भैया बताओ कौन आ रहा है, बताओ कौन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जनता के भावना जो है वर्कर सारी बता रहे हैं आज, और वर्कर उत्साहित है कि ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। क्या लग रहा है बीजेपी के लिए कोशिश कर रही ताकत क्या है दूसरे को? नहीं, हम लोगों का तो ये तो बीजेपी का मैटर है, उनकी पार्टी से पूछिए, मैं अपनी पार्टी का बता सकता हूँ आपको। क्या उम्मीद जताई है तब तक फाइनल में? नहीं, हमारे यहाँ पे देखो एक चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी पार्टी का प्रेशर बना हुआ कि यहाँ से गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। तो कि दो तीन चीजें देखो बड़ी उसके अंदर है, क्योंकि राहुल जी वायनाड से एक लड़ ली है कि अपोजिशन है गैर जिम्मेवार। एक तरफ वो कहता है कि वायनाड से हार रहे हैं तो सुरक्षित अमेठी की तरफ भाग रहे हैं, फिर कहता है कि वायनाड से इनको हार दिख रही है। अब राहुल जी ने कहा ठीक है वायनाड से मैं रखता हूं, मैं अमेठी आता ही नहीं हूं, तो अगर मेरे को हारना जीतना है वहां से हारना जीतना होगा। फिर मतलब कहते हैं कि यहां से डर के भाग गए, तो आपका कोई स्टैंड तो होना चाहिए कि भैया क्या आप कह क्या रहे हो। अगर अमेठी से आपने बात में बोला कि अमेठी सेफ सीट की तरफ भाग रहे हैं, तो आपने मान लिया ना कि कांग्रेस की सेफ सीट है। तो मतलब इस तरह का ये चल रहा है, तो क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों को ये करना, हम अपनी तैयारी रखते हैं, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाता है। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव होके इलेक्शन लड़ते हैं, हम किसी के नेगेटिव प्रचार करके नहीं रखते, हम मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे कि ये मुद्दे हैं भैया, 10 साल का इनका शासन है, इन्होंने जो कहा था हमको उसका बीजेपी जवाब दे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्के मकान दे देंगे, तो हमारा ये मुद्दा रहेगा पब्लिक में जाने का, ये मुद्दा रहेगा हमारा। तो हम इसी तरह के और भी मुद्दे, बेरोजगारी महंगाई का भी रहेगा, आवारा पशु भी रहेगा, तो ये सारे मुद्दे हैं जो जन जनता से जुड़े हुए मुद्दे, हम इस पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा न्याय पत्र, जो हमारा न्याय, जो हमारा मैनिफेस्टो है 25 गारंटी 5 न्याय, वो हमारा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। उसके अंदर हर वर्ग को हम लोगों ने एड्रेस किया है और गारंटियां दी है, और जिन जिन स्टेटों में हम लोगों ने वादे करके आए थे उन स्टेटों में वो गारंटियां लागू होंगी। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं, बस हमें उसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबको वेट करना। नहीं, अब इसका तो मतलब ये नहीं कि सूची जारी होगी, सबको पता लगेगा, क्योंकि मैं नीति निर्धारक कांग्रेस का नहीं हूं, मैं एक सिंपल वर्कर हूं कांग्रेस का।